इंट्रो बाद में दूंगी, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है अगर आप यूट्यूब पर इंटरेस्ट रखते हो। एंड मेरा भी ट्राइपॉड जो है थोड़ा सा बिगड़ रहा है, सो या चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर वन पॉइंट, यूट्यूब पे हम लोग कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं। बहुत हज़ारों वीडियोज हैं कि आप यूट्यूब पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका गूगल अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब अकाउंट होगा, तो उस पर जाओ, जो भी आपके चैनल का नेम रखना है उसको प्लीज एडिट करो चैनल के नेम को, और वीडियो बनाना आज से शुरू करो। बिकॉज गाइस यूट्यूब पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ऑडियंस आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं देख रही कि आपने 12,000 खर्च किए, 25,000 खर्च किए, या फिर 50,000 या 1,000,000 रुपये खर्च किए। ठीक है, ऑडियंस देखती है सिर्फ आपका कंटेंट, कंटेंट एंड कंटेंट। कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको कंटेंट में है दम तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज ऑडियंस ये नहीं देख रही है कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। अगर ऑडियंस को आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हो ऑडियंस को, तो बस ऑडियंस को और कुछ नहीं। ठीक है, बस एक यूट्यूब पर इतनी शर्तें होती हैं, यूट्यूब पर किसी को कॉपी मत करो, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ। एंड या दैट्स इट। और यूट्यूब एक बार आओगे ना आप लोग, तो अपने आप लोग एक्सपीरियंस यानी कि लर्न करने जाओगे। अब आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, IM से रिजल्ट वाला, उसकी कैमरा क्वालिटी देखना कितनी ज़्यादा बेकार थी। उसे क्वालिटी, साउंड क्वालिटी भी तो बकवास थी, और ये कैमरा प्रोडक्शन क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी बिल्कुल बकवास थी। और आज का मेरा वीडियो देखो, आज का जो कैमरा क्वालिटी है वो बिल्कुल क्लियर है। मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी है, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट तब से लेके अब तक काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आया है। आप घर बैठे बैठे यूट्यूब वीडियो शूट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगे महंगे DSLR होने चाहिए या महंगा महंगा माइक होना चाहिए। कि नहीं नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं तो हमें अगर हमारा चैनल कौन देखेगा, तो सब बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इससे क्या मतलब पड़ता है, अगर यूट्यूब पर 8,000 लोग हैं और आप एक नए यूट्यूबर हो सकता है कि आपको जो रिस्पॉन्स 1 महीना मिलना चाहिए वो 6 महीने के, ठीक है मान लेना। तो अपने आप को मैंने टाइम पर हो, ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो बनाया और सोच लो अब मेरी कितनी इनकम होने वाली है, अब मेरी कितनी इनकम होने वाली है। कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो यूट्यूब से, बिकॉज यूट्यूब कभी भी कुछ भी चेंज घुमा फिरा के बिल्कुल चेंज कर देता है ना, कुछ भी नहीं हो सकता यूट्यूब का। ठीक है, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए कि इतनी इनकम होने वाली है, इतनी इनकम होगी आगे जाके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। बस इतना बोलो अपने आप से कि 1 साल तक वेट करो। जी हाँ, अगर आपको यूट्यूब पर फेमस होना है तो इतना आपको पेशेंस होना चाहिए कि आप 1 साल तक वेट कर दो। ठीक है, और अच्छा कंटेंट बनाइए। तो यूट्यूब पर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, शूटिंग, एडिटिंग एंड अपलोड। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी 3 स्टेप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से, अभी भी शूटिंग में मोबाइल फ़ोन से ही कर रही हूँ, लेनोवो A6000 से। पहले मैं करती थी वीवो Y2 LL, तो उसी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने लेनोवो A6000 से स्विच कर दिया है। मैंने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ ताकि मैं अपने आप को देख पाऊँ कि मैं कैसा शूट हो पा रही हूँ। आज आप चाहें तो जो बैक कैमरा आता है जिससे फोटो वगैरह हम क्लिक करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं तो ज़्यादा सेल्फी कैमरा में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो मैं अभी बेसिकली किस चीज़ पे रखती हूँ, मतलब क्या सपोर्ट लेती हूँ मोबाइल को रखने का, तो मैं यहाँ पर ट्रैपॉड का सपोर्ट लेती हूँ अपने फ़ोन को रखने के लिए। और ट्रैपॉड की इन्वेस्टमेंट मैंने सिर्फ 300 रुपीज़ करी, सिर्फ 300 रुपीज़। जब मुझे दिखा कि हाँ अब मेरे 50 to 80 सब्सक्राइबर्स होने लगे हैं, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तब जाके मैंने इन्वेस्टमेंट की, तब जाके मैंने ये सब अपने 300 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। इससे पहले मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में वीडियो नहीं बनाती थी, पहले मैं बनाती थी वर्टिकल वे में, तो ऐसे बॉक्सेस के ऊपर रख के, बुक्स के ऊपर रख के बनाती थी। पर अब जाके मैंने ख़रीदा है ये, और मोबाइल से भी एडिटिंग हो सकती है, मोबाइल से भी शूटिंग हो सकती है, मोबाइल से भी अपलोडिंग हो सकती है। गूगल अकाउंट है बिल्कुल, अब चैनल का नेम एडिट करो, वीडियो बनाओ, एडिट करो और अपलोड करो। एडिटिंग में क्या होता है, अगर एडिटिंग में आप चाहो तो कहीं कट डाल सकते हो, वो तो आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपके कंटेंट का एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है या आप चाहते हो कि आपका वीडियो अच्छा लगे तो आप एडिटिंग कर सकते हो। बट बेसिकली लोग बोलते हैं एडिटिंग, उसके लिए आपको कोई महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, काइन मास्टर है, फिल्मोरा है एंड आई मूवी है, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स है। प्ले स्टोर पर एक बार टाइप करके देखो, अपने आप से मालूम पड़ जाएगी। ठीक है,
और YouTube पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी आती है, और एक वो जो हैक था कि हेड क्या कहते हैं जो ईयरफोन होती है उससे माइक का यूज़ करो, तो बिल्कुल वर्स्ट हैक था मेरे हिसाब से तो, बिकॉज मेरी साउंड क्वालिटी उससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। जितनी नॉर्मली साउंड क्वालिटी अभी आप लोग सुन पा रहे हो उससे बिल्कुल बकवास साउंड क्वालिटी, उसके बिल्कुल अपोजिट साउंड क्वालिटी मुझे मिली जब मैंने अपने वीडियो को सुना। मैं 3-4 बार हैक को ट्राई भी करा बट मेरे लिए वर्क नहीं करा, तो आई होप कि आप समझ आओ। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, आपको आज का वीडियो कैसा लगा। रात के बज रहे हैं 10:10 PM, मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, क्या करूँ, आप लोग इतना मजबूर कर देते हो। बाय बाय। मेरा सेटअप नया सेटअप है, पुराना सेटअप से बोर हो गई थी तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं अपने यूट्यूब से ये संग। और मेरा ब्लैक बोर्ड, कभी कभी मुझे टीचर भी बनना पड़ता है, कभी दिखाऊंगी आपको अपना टीचर वाला रूम। सो बाय गाइस, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। बाय।